माई के साथ में, बहन के साथ में बेटी रहती है, सब कोई रहता है। और वहाँ गाना बजता है देवराज ढोड़ी चटना बा। अच्छा, आज अपने ऊपर आया तो आपको खराब लग रहा है, लेकिन दूसरे के ऊपर आप खराब खराब गाना गा रहे हैं तो आपको नहीं खराब लग रहा है। ब्रह्म बाबा के यहाँ जा रहे हैं पूजने के लिए ब्रह्म बाबा को, और वहाँ चला रहे हैं जिनसे ढीला कर जी जी, कभी ढोड़ी चटना बजा रहे हैं, जो लगातार ऐसे गाना परोस रहे हैं समाज में, जिसे समाज गंदा हो रहा है, उनके ऊपर भी बैन होना चाहिए। गाना पे ही नहीं, वैसे राइटर के ऊपर बैन होना चाहिए, वैसे सिंगर के ऊपर बैन होना चाहिए, कार्रवाई भी होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जो चाहिए, जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक अश्लीलता बंद नहीं हो सकता है। निकला तो थोड़ी चटना बा, बस दूसरा हो गया। कोई अगर सत्यनारायण भगवान का पूजा करता हो तो? अरे भाई मेरे, सत्यनारायण का जब तक पूजा होता है तब तक जी, तब तक तो पूजा होता है उनकी, बस पूजा खत्म हो गया पूजा से पहले और पूजा के बाद, यही सब चलता है। मतलब पूरी तरह अश्लील गाना चलता है? अश्लील चलता है। तो बिहार में एक भोजपुरी गाना को लेकर, भोजपुरी में कई ऐसे अश्लील गाना है जो हमारे समाज को पूरी तरह गंदा कर चुका है, आज आपके बेटी पे गाना गाया तो आपको दिक्कत हो गया का? तो बताइए, भोजपुरी समाज जो है पूरी तरह जो है बिहार में बहुत काफ़ी स्तर पर गिर चुका है। आज देखिए, पंकज सिंह की बात करेंगे, पंकज सिंह ने गाया है खेसारी लाल यादव के लड़की के ऊपर गाना, आज खेसारी जी को खराब लग रहा है, लेकिन इतने दिन से, कई वर्षों से भोजपुरी समाज को अश्लीलता से परोसा जा रहा है। आप भी किसी बेटी के ऊपर गाना गाएं, कभी ढोरी में माटी को चोप देते हैं, हाँ, कभी ढोड़ी पे धान झाड़ा जाता है, कभी ढोड़ी को चाटा जाता है, बहुत तरह के ऐसे अश्लील गाना है, बहुतों गाना आया है जो अपने समाज में इससे मतलब गलत वातावरण फैल रहा है। पूर्व जन्म में शारदा सिन्हा का आज भी गाना बजता है, और बड़ा ही श्रद्धा से बजाते हैं लोग, और वो कभी मर नहीं सकता। लेकिन ये अश्लीलता जो परोस रहे हैं, वो गायक हो या कोई राइटर हैं अच्छे अच्छे, वो भी अश्लीलता में घुस गए हैं। अब परोस रहे हैं अश्लीलता के, कितना है उसका उम्र है 1 साल। अच्छे अच्छे परिवार के जो मतलब परिवार में शादी जो होता है या कोई फंक्शन होता है, तो देखते हैं उनका बहू हो, बेटी हो या पुतौ हो, मतलब जिस राह पे लोग अपना मुंह नहीं दिखाते हैं उस राह पर लोग इज्जत दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। आज देखिए, समाज में ऐसा वातावरण बनना चाहिए कि सब लोग या अश्लीलता से थोड़ा बाहर आना चाहिए। देखिए, सिंगर को मजबूरी है कि हम आप जो सुनेंगे वही वो लोग गाएगा, वही परोसेगा, क्योंकि उनको टीआरपी लेना है। पहले के ज़माने में कैसेट बिकता था, अभी कैसेट बिकना बंद हो गया, जो भी है यूट्यूब से अर्निंग होता है या फेसबुक के माध्यम से कोई भी। तो ऐसे में हम आपको सजग होना पड़ेगा, और हम आप जब तक अश्लीलता को बंद नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे कि अश्लीलता हमें हमारे समाज के लिए अभिशाप है, तब तक ये अश्लीलता नहीं बंद होगा। कोई गायक गाता ही रहेगा, मजबूरी है उसका। हम आपको पहले सीखना पड़ेगा, हम आपको शुद्ध होना पड़ेगा, तब हमारे समाज को शुद्ध कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो अभी बिहार में अश्लील गाना जो है खुले तौर पर जो है शेयर हो रहा है, खुले तौर पर लोग देख रहा है, सुन रहा है, खासकर युवा और जो युवतियां हैं वो काफ़ी एंड्रॉयड मोबाइल का यूज कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अश्लील वीडियो देख रहे हैं, अश्लील गाना सुन रहे हैं, तो इससे हमारे समाज पूरी तरह जो है गंदा हो चुका है, तो क्या इस पर सरकार को अहम कदम उठाना चाहिए? ज़रूर उठाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात बताना है कि अपने समाज में, वो गांव हो या कोई जिला हो, कस्बा हो, सब एक ही है। अश्लीलता की बात करेंगे, निगेटिव जितना ज़्यादा फैलता है पॉजिटिव उतना नहीं फैल पाता है, क्योंकि ये हमारे समाज के जो नए नए जो युवा हैं वो ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? रे देख ले, एना गिल के हैं, एकरा कनी वायरल कर दें। जो लगातार ऐसे गाना परोस रहे हैं समाज में, जिसे समाज गंदा हो रहा है, उनके ऊपर भी बैन होना चाहिए। बता दूँ लालटून जी कि एक समय आएगा, और अभी जो समाज हमारा एकदम पीछे जा रहा है पूरा, मतलब ये सब जो एक अभी परोसा जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि सब आक्रोश होकर, और सेंसर बोर्ड की मजबूरी में मजबूर होकर, इस सब चीज़ को बंद करना पड़ेगा, और पीछे जैसा बज रहा था उसी
समाज में हम लोग आएंगे और फिर से एक अच्छा समाज बनेगा और अच्छा वातावरण हम लोग देख पाएंगे। मतलब हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, और हमारे भाई रमन जी का भी दरभंगा तक का न्यूज़ चैनल है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे भी है। तो फिर मिलते हैं नए न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।